खरगोन जिले में एक पीड़ित विवाहिता ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर अपने ससुराल पक्ष पर प्रताड़ित करने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर संज्ञान में जुटी है। मामला खरगोन जिले की खामखेड़ा चौकी का है, जहां एक विवाहित महिला के परिवार पर उसके पति ने कुछ लोगों के साथ पहुंचकर हमला कर दिया। वहीं परिजन से मारपीट करके घरेलू सामान को तोड़फोड़ दिया। दरअसल ग्राम बाड़ी की शायना का निकाह 5 वर्ष पहले करही थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पालदा में हुआ। वहीं ससुराल पक्ष के शायना को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उस पर केरोसिन उड़ेल कर जान से मारने की कोशिश भी की। इसी बात से घबराकर शायना अपने माता पिता के घर बाड़ी आ गई, जहां उसके पति ने सहयोगियों के साथ जमकर उत्पात मचाया। उक्त घटना के बाद शायना अपने परिजन सहित जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंची और आप बीती सुनाई। इस दौरान शायना ने मीडिया से चर्चा में बताया कि मेरे पति अल्लाह नूर ने अपनी भौजाई से अवैध संबंध है, वहीं मुझसे बार बार दहेज की मांग भी करके शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। जी सर, हाँ, उनसे 3 तलाक बोल दिया है। साइन तुझे मैं 3 तलाक देता हूँ, तलाक 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 ऐसे 3 मरतबा बोल रहा है, मैं तेरे को तलाक देता हूँ। इमाम का लड़का अल्लाह नूर खान, मैं तुझे तलाक देता हूँ। साइन जा 3 बार बोल गया, तलाक 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 ऐसा 3 मरतबा बोला है। जिस और मेरे माँ बाप को घर आके उनको भी मारपीट की है सर उन्होंने। हमारे घर आके मेरी मम्मी को, मेरे पिताजी को और मेरे भाई को भी बहुत मारपीट की है सर उन्होंने। और मुझे भी चोटी पकड़ के गाड़ी में बिठा रहे थे, मैं छोड़ के 100 नंबर गाड़ी को बुलाने गई, उनको बुला के लाई और उन्होंने फिर उन मारते हुए भी देखा, फिर भी कुछ नहीं किया सर। हमको थाने पर गए, थाने पर भी हमारी कोई रिपोर्ट नहीं लिखी गई है सर। वहाँ पर हमको आदम चेक फाड़ के घर भगा दिया गया सर। और उसके पहले भी मेरे घर विवाद होता था, तो मेरी जिठानी और मेरे हस्बैंड का थोड़ा लफड़ा चल रहा था आपस में, तो उनको मैं पूछती थी तो मारपीट करने लग जाते थे। मारना जिस प्रकार से आता उस प्रकार से मारना, लकड़ी आ जाए तो लकड़ी, चिप्पल आ जाए तो चिप्पल मारना। मैं पूछती थी कि तुम ऐसे करोगे तो हमारा अपना घर कैसा चलेगा, देवर भोजे में ऐसा होएगा तो घर कैसा चलेगा ऐसा। और दहेज भी मांग रहा था, बोले तेरे बाप ने सोने की अंगूठी दी नहीं, हार दिया नहीं, चेन दिया नहीं, घड़ी ये ला के दे, गाड़ी लाया नहीं, तेरे बाप ने मेरे को गोदरेज अलमारी ना दी, ऐसे मांग उन करता था हर वक्त। जब आता जब मारपीट होती है मांग उन पैसे, बोले 50,000 नगद ले के आ, नहीं तो जब भी तेरे को सही सलामत रखेंगे। जिसके बाद मेरे पर घासलेट डाल दिया गया सर, घासलेट डाल दिया गया, फिर मैं छूट के फिर भी बाहर भगी हूँ सर। फिर भी मैंने 100 नंबर लगाया गया, फिर करे थाने पर रिपोर्ट करी, फिर भी कुछ नहीं हुआ सर, उसके कारण भी नहीं हुआ कुछ। मेरा पति का अल्लाह नूर सर, पालदा। अभी तो मेरे माँ बाप के घर हूँ बेपाड़ी। एस पी साहब बोल रहे हैं कि जाओ वहाँ, हाँ मैडम के यहाँ पे रिपोर्ट लिखवाओ, बोले के साइन। वो आई थी यहाँ पे, हमने उसकी बात सुनी है और उसको हमने महिला सेल में भेजा है और महिला सेल प्रभारी को हमने बोल दिया है, जो भी उसकी शिकायत है उसके आधार पे जो भी कार्रवाई बनेगी लीगल वो हम करेंगे, और हमने उसको अभी महिला सेल में भिजवाया है। सर, 3 तलाक का मामला बताया, बिल्कुल अगर तो वो बोल रही है तो उस पर हम मुकदमा कायम करेंगे संबंधित। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।